हेलो गाइज, यहाँ पे ये देखिए, आप ये जो मेरे पास अभी डिवाइस है ना, ये है Realme 9 Pro। ठीक है, यहाँ पे Realme, और आप ये देख सकते हो Realme 9 Pro वाला ये डिवाइस है। अब इसके अंदर अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो अपडेट ऑलरेडी मैंने अपने डिवाइस को कर लिया है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता अपने डिवाइस को अपडेट करे या फिर ना करे, और उसके बाद में अपडेट करने के बाद में क्या हमारा डिवाइस यहाँ पे प्रॉपरली चल पाएगा या फिर उसके अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। ये सब चीज़ें होती है ना कि बैटरी अगर ड्रेन हो जाएगी तो फिर क्या हमें इसे अपडेट करना भी चाहिए या फिर अपडेट नहीं करना चाहिए। चलिए वो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे अभी। उसके साथ में एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मेरा एंड्रॉयड वाला वर्जन है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता क्या चलता है। तो मेरा एंड्रॉयड वर्जन फिलहाल एंड्रॉयड 14, एंड जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट मेरा हुआ है वो लगभग 5 अगस्त 2024 को यहाँ पे हो चुका है। देख सकते हो आप एंड्रॉयड 14 जो अपना वर्जन है वो चल रहा है मेरे यहाँ पे। अब रही बात यहाँ पे कि क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर ये अपडेट आपको नहीं करना चाहिए, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़, अगर आपका डिवाइस थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपको ये अपडेट करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को कंप्लेंट ऐसे भी होती है कि जब हम अपडेट कर लेते हैं तो अपडेट के बाद में ही हमारा डिवाइस जो है वो स्लो चलने लग जाता है। तो देखिए, अब ये तो खैर अलग अलग बातें हैं कि किसी का डिवाइस अच्छा चलता है, किसका स्लो चलता है, तो वो आपको आपके हिसाब से एनालिसिस वहाँ पे उतना करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि डिजिटल वेलबिंग के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए या फिर नहीं हुए, तो देखिए योर डिजिटल वेलबिंग टूल, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हुए फिलहाल। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कौन सा ऐप यहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या होते हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल फीचर्स इसके अंदर कुछ इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। फ्लेक्सिबल विंडो जैसे आपको पता है कि वो ऑलरेडी है इसके अंदर। उसके बाद में स्प्लिट व्यू है, क्विक रिटर्न है, स्मार्ट साइड बार है, जेस्चर्स है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये चीज़ें जैसे है वैसे ही है। अब ये लोगों को एक और चीज़ होता है कि क्या इसकी कैमरा के अंदर अपडेट हुए या फिर नहीं हुए, या फिर हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपरली चल रही है या फिर बैटरी थोड़ी स्लो हो गई है। तो बैटरी का अगर देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अभी जो मेरा लास्ट चार्जिंग हुआ था, लास्ट चार्ज मैंने किया इसे 17 आवर्स 53 मिनट के पहले, और उसके बाद में देखो मेरा जो है 66% अभी बैटरी बची हुई है। और अभी भी ये अगर मैं ऐसा इसे इस्तेमाल करूँ तो लगभग 1 डे 2 आवर 1 मिनट तक ये चल सकती है। ठीक है, अब बहुत से लोगों को एक दिक्कत आती है कि ये बैटरी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है अपडेट के बाद में। तो अगर ये बैटरी आपकी ड्रेन हो रही है अपडेट के बाद में, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलते हैं। इन सेटिंग्स को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपका बैटरी थोड़ा सा ड्रेन होना कम हो जाएगा, एंड आप ज़्यादा टाइम तक बैटरी कैसे बचा सकते हो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगला वीडियो आप डेफिनेटली चेक करिएगा। हाँ, बस इतना बता के रखिए मुझे कि आपका जो डिवाइस है वो बैटरी के हिसाब से थोड़ा सा स्लो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, वो डेफिनेटली आप मुझे बताइए। उसके बाद में अगर इसकी कैमरा की अगर मैं बात करूँ कि कैमरा के अंदर कौन से चेंजेस हमें देखने मिले हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं एक प्रॉपरली एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। 0.6 एंड 2 जैसे है वैसे ही है। इसके अलावा इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। आप जैसे देख सकते हो 6x तक हम वहाँ पे जा सकते हैं जूम करने के लिए, एंड उसके बाद में यहाँ पे वीडियो मोड हमें देखने मिलता है। तो इसके लिए तो खैर मैं गाइज अलग से वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इसके बारे में जो है वो पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको अपडेट के बाद में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने मिले हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि जो कैमरा का अगर हम अपडेट देखना, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस हमें देखने नहीं मिलते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1080p 30 FPS तक का ही सपोर्ट हमें देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट अगर हमने कर लिया तो उसके बाद में हमारा सीधा 60 FPS तक जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर हम 720p करते हैं तो हमें 60 FPS वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन 1080p में 30 FPS तक वाला ही ऑप्शन हमें देखने मिलता है। अब ये फ्रंट कैमरा में भी उतना ही आसपास है, एंड आपको यहाँ पे एक AI का फीचर मिलता है, AI हाईलाइट वीडियो ऑन। ठीक है, तो ये एक फीचर है वहाँ पे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अल्ट्रा स्टेडी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। तो जिस हिसाब से जिस प्राइस रेंज में आपको ये मिलता है उस अकॉर्डिंगली तो ये उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया चल जाता है। लेकिन ऐसा अगर मेजर अपडेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर कुछ होता है तो इसके अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता पर्सनली ऐसा कुछ बड़ा मेजर अपडेट इसके अंदर हुआ है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं करना तो मत करिएगा। ऐसा कुछ वो कंपल्शन वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आपको अपडेट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर अभी अगर अपडेट कर लेते हो ना तो वापस पुराने वाले वर्जन पे जाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो वो एक बात है। और इसका अगर चार्जिंग कितना टाइम ले रहा है फिलहाल, मुझे लगता है कितना टाइम, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।